गाइस इस वाले व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ ये जो यहाँ पर स्लाइडिंग हुई थी चुकी थी और इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बाद में वॉल्स उठाई जा रही हैं। और जब हमने पिछला कवरिंग किया था, पिछला व्लॉग कवर किया था, उस दौरान यहाँ पर 5 लेयर्स बन चुकी थी। उसके ऊपर अब और कितनी ज़्यादा लेयर्स आपको दिख रही हैं, 6 लेयर्स उसके ऊपर कम्प्लीट हो चुकी हैं और 7 भी ऊपर कंस्ट्रक्ट करने का काम चल रहा है। 1 से 1.5 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर हुई है गाइस। और ये वही एरिया यहाँ पर लगातार पानी निकलता ही रहता है, ग्राउंड से आप देखेंगे ग्राउंड के बीच से वहाँ पर पानी निकल रहा है और यहीं से पानी यूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। और ये कंक्रीट क्या मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, कंक्रीट मटीरियल बनाने के लिए या क्या है हमें मालूम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इनके ऊपर स्पेशल यहाँ पर डेट लिखी गई है, जैसे हम नीचे देख सकते हैं 2/29/2022, उसके ऊपर 3/9/2022, ऐसे ही हर एक टॉप के ऊपर आपको यहाँ पर तारीख लिखी हुई मिल जाएगी। और किस तरह से बाकी यहाँ पर काम हो रहा है मैं आपको वो आगे दिखा रहा हूँ। और अब हो रही है यहाँ पर वॉल की कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर वॉल सी की कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं होती है और सीमेंटेड ईंट से इनकी दीवारें बनाई जा रही हैं। और कोई नॉर्मल ईंट यहाँ भट्टे की ईंट नहीं लगाई जा रही है, कंक्रीट ईंट जिनकी एक स्पेशल चेकिंग हुई है उसके बाद इनको यहाँ पर लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ भी एक जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी बिल्डिंग की, उसके 1, 2, 3 स्टोरी इसको बना दिया गया है। और ऐसे ही वहाँ नेक्स्ट जिस पिलर पर, ये इस बिल्डिंग से नेक्स्ट का पिलर है, यहाँ पर आपको कुछ लेबर लोग पिलर के ऊपर खड़े हुए उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए दिख रहे होंगे। चिकी बाल और उससे ऊपर उठाई जा रही बिल्डिंग्स, और टॉप की बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। आप देख ही सकते हैं कितना डाउन से इस पूरी बिल्डिंग्स को उठाया गया है। बीच में आप यहां पर देख सकते हैं एक दीवार यहां पर बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है अक्सर ये तो हमें बाद में ही जानने को मिलेगा। और इस तरफ की बात करें तो यहां मैंने आपको बताया था कुछ पिलर्स बनाए जा रहे हैं, ये इनकी प्रोग्रेस अभी वहीं तक रुकी हुई है। और ये जो बिल्डिंग की दीवारों का काम चल रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार काम चल ही रहा है। और एक भाई यहाँ पर बैठ कर साइड की जो शटरिंग लगाई जा रही है इसके ऊपर इसको कंक्रीट किया जाएगा। सरियों को शेप देने के लिए ये कुछ बनाया गया है, और ये वो कंक्रीट ईंट है जिसको यहाँ पर लगाया जा रहा है, यहाँ पर टूटी हुई है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा भी इसको दबाता हूँ और इसे कुछ भी हल्का सा भी कुछ तोड़ पाना मुश्किल है यहाँ पर। और इस ईंट की मजबूती आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत ये हो सकती है। इस तरफ इस बिल्डिंग के ऊपर काम यहाँ तक 1, 2, 3, 4 बिल्डिंग तक का छत बनाकर कंप्लीट हो चुका है, और 5वीं के लिए ऊपर पिलर उठाए जा रहे हैं। क्या इसको इस बिल्डिंग के तक बराबर किया जाएगा ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ये अपडेट्स आपको मिलती ही रहेंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बाकी काम यहाँ पर होता आप देख ही सकते हैं। इनको कंप्लीट करके दीवारें बनाने का काम किया जा रहा है, और हर कोई आदमी यहाँ पर अपना काम कर रहा है, सुपरवाइजर्स लेबर्स अपने अपने काम में सभी बिजी है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं वाओ शटरिंग का काम, और इसी के ऊपर पटरी को बिछाया जाता है जो कि हमने अक्सर प्लेटफॉर्म पर देखा है। अब इसका पर्टिकुलर नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं। भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लाकर रख दिए गए हैं, और ये मैं आपको बता रहा था बीच में
एक नहर सी बनाई जा रही है, बीच में सरिये की एक लाइन भी है इसमें, और इसका आगे क्या बनाया जाएगा तो ये समय के साथ हमें मालूम पड़ेगा। वो प्लास्टर हो चुका है और पीछे की बिल्डिंग को अगर आप देखें उसको फर्निश कर दिया गया फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया तरीके से एक कलरफुल वाली बिल्डिंग को यहाँ कंप्लीट कर दिया गया है। और इसी के साथ जो फ्रंट वाली बिल्डिंग है इनका काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है और विद इन अ मंथ इनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। मिलते हैं प्लेटफॉर्म के क्लोज व्यू वाले पार्ट में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।